हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे मंटू बबीता चैनल में। तो आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी शाम हो गया है और हम लोग, हमारा तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब था। सुबह सोए हुए थे तो दीदी सब काम हम बेचारी अकेले कर रही थी, और इधर देखिए सब लोग परी को खिलाने में बिजी हैं, क्योंकि वो भी, उसका भी तबीयत ख़राब है और जुकाम की वजह से एकदम चिड़चिड़ा जा रही है किसी भी बात को लेकर के। तो आप लोग बताइए, इधर देखिए तीनों लोग कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में, बताइए। यही फैमिली चाहिए था हमें, हम बस इसी फैमिली को देखना चाहते थे, इसी तरह देखना चाहते थे। जो कि देखिए तीनों लोग बैठ के आराम से खेल रहे हैं, परी खेल रही है, परी को जीजा और दीदी खिला रहे हैं आराम से बैठ के। तो बताइए, यही ना अच्छा लग रहा है, और किसी को नजर ना लगे, हमेशा ऐसे ये लोग हंसते मुस्कुराते खेलते रहे, साथ में सब लोग रहे, संपन्न रहे, शांति से आगे बढ़े, तो बहुत अच्छा लगता है। तो और आप लोगों को क्या ही बताएं, बाकी तो सब लोग इस समय ठीक है, बस सबकी तबीयत खराब है, और सब चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तबीयत किसी का आराम नहीं हो रहा है ठंडी की वजह से। इसलिए आप लोग घर में बच के रहिए ठंडी से, क्योंकि गलन बहुत ज्यादा है। धूप भले निकलती है मगर रात में गलन उतनी ही ज्यादा, तापमान गिरावट तापमान में देखी जा रही है। तो आप लोग ठंड से बच के रहिएगा, नहीं तो इस समय सर्दी जुकाम खांसी का बीमारी बहुत तेजी से फैल रहा है। जो रोने धोने वाला था वो अच्छा था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन कुछ अभी 15 दिन पहले छोटा परिवार दुखी परिवार वाला सीन चल रहा था, लेकिन कितना अच्छा लग रहा, नजर न लगे किसी का। और देखिए परी है जो बदमाशी कर रही है, और इधर जो है जीजा यहाँ बैठ के अभी बाबू को भुलवाए हुए, सब किचन का इनका जो किचन सेट है सब ले करके परी खेल रही है, उनको लोग भुलवा रहे हैं, क्योंकि परी अभी थोड़ी देर पहले दूध पी थी, उल्टी उल्टी कर दी है। इसका चार खाने वाला टिफिन है, जब वो खाना बनाएगी तो उसी में देगी। दीदी ये अच्छा लग रहा है कि जो 15 दिन पहले शुरू था वो अच्छा लग रहा था, अब अच्छा लग रहा ना, ऐसे हमेशा रहे तो कितना अच्छा रहे, कभी झगड़ा ना हो, एकदम ऐसे ही मिल बांट के सब लोग रहते हैं। लोग कहे वाला बा कि वीडियो खातिर झूठ है, इन लोगों को भागे चाहे ना भागे, जो लोग कह रहे हैं कि वीडियो ले, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो आदमी शूटिंग करता हो, चैनल चलाता हो, उसका कितना नुकसान हो रहा है। ये इस व्यूज से थोड़े ना काम चलेगा इनका, इनका खुद का शूटिंग रुका हुआ था गायब होने की वजह से, तो कौन सा प्रॉफिट है बताइए, इनको तो उसी से ज्यादा फायदा होता है। तो कोई अपना नुकसान करके व्यूज के लिए, इसे यूट्यूब के व्यूज के लिए थोड़े ना भागेगा जो चैनल के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इनका जो है जितना ये रोग आ करके भी देखिए, जो भी है, औरत से महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, कृष्ण लीला हुआ है, जो भी हुआ देख लो, गलत गलत महाभारत जमीन के कारण हुआ है, जमीन के कारण नहीं, उसमें औरत अब देखिए। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, जर जोरू और जमीन जब भी हुआ विवाद इसी वजह से हुआ है। कोई भी देखिए फिल्म बनता है तो काम ठीक नहीं बनता है, बताइए कि कहानी काम ठीक नहीं बनता है। दीदी देखिए हमको ब्याज जी नाक में का किन के लाएंगे, दीदी डिबिया में मुन के, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए देखिए आप लोग अपने हाथ में हमको दीजिए निकाल के देखिए। दीदी भी कबाऊ देखिए दोस्तों, उसको भी हंसी आ रहा, मम्मी हंस रही है। तो देखिए कितना अच्छा हम इसको का किए, पैक कर दिए, देख लीजिए डिब्बा देखिए तो, क्योंकि उसी का वो डिब्बी है ना, है दूसरा चीज के ही डिब्बा है, कौन सी के इतना मुझे पहन ले रहा। अच्छा हाँ वो तो वही पहन ली थी, तो यही है। और कितना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा, हम तो कहेंगे आप लोग के लिए एक संदेश है कि छोटी छोटी बातों पर विवाद ना करके, उसको अनदेखा करके, ऐसे ही जैसे हम सीन आप लोगों को दिखा रहे नजारा, ऐसे ही आप लोग रहने का प्रयास करें, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में जीने की कोशिश करें, बड़े खुशियों के चक्कर में जीवन भर का तकलीफ अच्छा नहीं होता, इससे अच्छा छोटी छोटी खुशियों में ही खुश रहें। और देखिए इस समय परी हमारी कैसे बीमार थी, अब देखिए कितनी खुश है, पापा को देख करके गा रही है। बच्चे भी सब समझते हैं, बोल नहीं पाते मगर उन्हें भी पता है कि कब कौन टेंशन में रहता है, कब कौन खुश है, तो यही है। और आपको कैसा लग रहा था जीजा जब नहीं थे तो? हम जहाँ थे अच्छा थे, हम लोग भी जहाँ थे अच्छे थे, यही ना कहेंगे सौ बात कहे की बात, घर की याद नहीं आ रही थी। अरे याद आ गई, बताइए शोर में गोल लगाई तुर देने से का मने
अब का ठीक हो जाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, इतना सुंदर बच्चा जे कर रहे हैं। बच्चा से तो बात हो रहा है। देखिए दोस्तों उससे बात होता है, खुल रहा है एक नया नया पोल खुल रहा है, देखिए नया नया राज खुल रहा है। देवर बना दुश्मन, देवर ही बात करवाता था ना, देवर बना दुश्मन। इस पे एक शूटिंग कर दीजिएगा ठीक है ना। देवर बना दुश्मन दूसरा का, लोग नहीं रहना चाहते हैं। मैंने देखिए हर कोई का मुसीबत होता है, कौन मैंने दूर जाना चाहता है बताइए। हमारे ऊपरी बिहार के कितना भाई लोग हैं बाहर रहते हैं, उसका मन शौक सबका होता है कि अपना परिवार के साथ रह के पैसा कमाए, बाकी पेट के कारण लोग दूर चले जाते हैं ना। सही बात है, तो हम पेट के चलते नहीं गए थे, हम लोग तो यहीं पर कमाते हैं। जो भी आप लोग का प्यार आशीर्वाद ले, बाकी दूर हो गए थे कुछ इनका वजह था, दोनों लोग का वजह था, एक लोग से नहीं। हाँ कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजता है, चलिए ठीक है। मगर इसमें मेहरानों को देखिए घर कब चलता है बसता है पता है दोस्तों। देखिए अभी मेरी दीदी मेकअप ही चल रहा है, पाउडर लगा रही है। पता है आपको कि घर कब बसता है, घर कब चलता है, जब घर की औरतें ठीक रहेंगी तो। दोस्तों आपको बता दे, कोई भी रिश्ता तब चलेगा जब एक नरम हो एक गरम हो। कहने का मतलब कोई कोई पति पत्नी कोई एक सहने वाला हो और कोई एक गरम मिजाज का हो, अगर दोनों ऐसे रहेंगे तो कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।